हेलो एवरीवन, तो आज कछुए के रायते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। विंटर सीजन में ही अधिकतर बनाया जाता है इसको, क्योंकि बथुआ मोस्टली विंटर में ही मिलता है और अभी विंटर ही है तो मार्केट में काफ़ी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आई हुई हैं, तो आप भी इन हरी सब्जियों का भरपूर फ़ायदा उठाइए। वैसे भी हरी सब्जियों को हमें अपनी डाइट में किसी ना किसी रूप में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार से बथुए के रायते को कैसे बनाते हैं। तो ये बथुए का रायता बनाने के लिए मैंने एक पंच बथुआ लिया है। एक्चुअल में मैंने सोचा था कि मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी, पर फिर सोचा कि इसका रायता बना लेते हैं, आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, इसलिए मैंने पहले ही इसको धोकर चॉप करके रख लिया था। तो एक पैन में मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया है और इसमें अपने चॉप किए हुए बथुए को भी डाल दिया है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है, ज़्यादा नहीं, बस 3 से 4 मिनट तक ही हम इसको पकाएंगे। ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको पकाने में। बस अब ये पक ही गया है, पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। वैसे भी हमें इसको ग्राइंड करना है तो इसको इतना ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, पहले मैंने बथुए को निकाल कर छान कर ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो बस सारे बथुए को मैंने इसमें डाल दिया है और ये 2 हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाल दी है, इसके साथ ही इसको पीस लेंगे। अभी और कोई मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हम आगे एडजस्ट करेंगे। तो देख सकते हैं एक पेस्ट बना लिया है मैंने इसका, ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसको, थोड़ा सा थिक ही इसको रखना है। तो चलिए अब आगे का स्टेप कर लेते हैं। ये 300 ग्राम्स दही लिया है मैंने, मानकर चलिए कि ये 1.5 कटोरी दही होगी। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि ये थोड़ी सी क्रीमी सी हो जाए। जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे तब आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए। पानी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको रायते में थिकनेस चाहिए उतना ही आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि पानी और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी रखी है मैंने। तो अब जो बथुए वाला पेस्ट है उसको हम इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इसको एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और टेस्टी रायता बनता है। तो ये सारे बथुए के पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा जब तक कि एक जैसा ना दिखने लगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो ये आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आधा ही छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर ऐड किया है और ये आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है। तो बस अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी भी मसाले को आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर अपने पसंद का कोई और मसाला ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आपका सिंपल बथुए का रायता तैयार हो गया है। इसको आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए एक तड़का तैयार करूंगी, जिससे कि ये और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनता है। तो ये एक पैन लिया है मैंने और इसमें 2 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। जब ये गर्म हो जाएगा तो आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1/4 स्पून इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग से बहुत अच्छी खुशबू आती है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। अब ये 2 सूखी लाल मिर्च को भी तोड़कर मैंने ऐड कर दिया है, थोड़े से करी लीव्स ऐड किए हैं और ये 2 हरी मिर्च को भी काट कर ऐड कर दिया है। तड़के में हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मिर्च को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये कटे हुए हरे धनिया को भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो बस 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस अब ये हमारा मसाला भून चुका है, अब मैं इसको अपने तैयार किए हुए रायते में डाल दूंगी। तो ये हमारा तड़के वाला बथुए का रायता तैयार हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी रायता बना है। तो इस रायते को आप बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, श्योरली आपको जरूर पसंद आएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिएगा। तो मस्ट ट्राई दिस रेसिपी, और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।